यदि आपको आजकल घर से कहीं बाहर जाना है तो सावधान हो जाइए, इस बढ़ती भीषण गर्मी में आप इसके शिकार हो सकते हैं। ऐसे में चिकित्सकों द्वारा बताई बातों पर विशेष ध्यान दें। भिवानी के जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का कहना है कि अधिक गर्मी बढ़ने से शरीर पर प्रतिकूल असर पड़ता है, इसका आम आदमी को पता नहीं चलता, जिसके कारण आदमी बीमारी की चपेट में भी आ सकता है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी औषधालयों को हिदायतें दी गई हैं कि गर्मी की बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करें। ऐसे में लोगों को जलीय तत्वों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, मौसम के अनुकूल खरबूजा तरबूज जैसे पौष्टिक फ्रूट लेने चाहिए। भिवानी के नागरिक अस्पताल के प्रधान चिकित्सक डॉक्टर रघुवीर शंडालिया ने कहा कि इस मौसम में नाक से खून आना व बेहोशी की शिकायत हो सकती है। 5 साल से नीचे व 60 साल से ऊपर के व्यक्ति का खास ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि ऐसे मौसम में दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच ज़्यादा गर्मी होने के कारण घर से बाहर निकलने से बचें, और यदि किसी ज़रूरी कार्यवश घर से बाहर जाना भी पड़े तो सिर को कपड़े से ढककर निकले। उन्होंने कहा कि ऐसे मौसम में उल्टी दस्त की शिकायत भी रहती है, ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, ORS या नमक चीनी के घोल का इस्तेमाल करें। भिवानी से कैमरामैन देवेंद्र सांगवान के साथ अमन शर्मा की रिपोर्ट। बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है, जैसे जलीय तत्वों का कम होना, स्ट्रोक आना, बेहोशी आ जाना, ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जो आम आदमी लोग इन चीज़ों से वाकिफ नहीं होता। इसके लिए हमने सभी तो हमारे औषधालय जो भी फील्ड में है उनको सख्त हिदायतें दे रखी है कि वो लोगों को इसके बारे में जागरूक करें और जलीय तत्वों का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करें और जो भी मौसमी फ्रूट है उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और जब भी आप गर्मी में बाहर निकले तो सिर पर कोई कपड़ा या मुँह पर कपड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह के हम जागरूकता अभियान पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने चला रखे। तो डिफेंस मैकेनिज्म है, अगर हम कुछ खाने में या पीने में कोई खराब चीज़ चली जाती है शरीर उसको बाहर निकालता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं होती। हमें इसकी जो नमक और पानी की कमी होती है उसकी पूर्ति करनी चाहिए। इसका साधारण सा इलाज यही है, पानी को गर्म करो, ठंडा करो और 1 लीटर में 1 ORS का पैकेट डालो, और अगर ORS पैकेट नहीं है तो उसका हम नमक और चीनी डाल करके उसका इतना टेस्ट कर लेते हैं जैसे कि आंसू का टेस्ट होता है इतना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे तो हमारे पानी की और नमक की कमी नहीं होती,